Right, this is Rajiv K. Bajaj from the RKB show on News World India. And मेरे साथ हैं हर रोज की तरह एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और हमारे साथ हैं इस वक्त बाबू भाई बतेली. बाबू भाई बतेली जी, सबसे पहले तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा. शुक्रिया अदा इस बात का करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी भारी भरकम भयानक चीज यहाँ पर हो गई है वो आप हमारे ध्यान में लेकर के आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहूँगा. ये चांदीवली का इलाका है, ठीक है? चांदीवली का इलाका है प्रदीप भाई. खेरानी रोड पे चांदीवली का इलाका है और ये पीछे जो आप गड्ढा देख रहे हैं यहाँ पे, आइए श्याम जी आइए यहाँ पे. प्रदीप भाई खड़े हैं. प्रदीप जी जरा ध्यान से इधर आ जाइए. आप प्रदीप जी थोड़ा इधर आ जाइए. आप इधर आ जाइए, गिरिएगा नहीं. ये जो गड्ढा है यहाँ पे ब्रिज हुआ करता था. ये देखिए यहाँ पे ब्रिज हुआ करता था. इस ब्रिज को तोड़ दिया गया 22 मार्च को इस ब्रिज को तोड़ दिया गया प्रदीप जी. yes. क्योंकि वीटी स्टेशन यानी सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, वहां पर एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया. उसके बाद क्योंकि यह कहा गया कि यह ब्रिज भी खतरनाक है इसलिए इसको तोड़ दिया गया. और 22 मार्च और आज क्या तारीख है 29 मई, अप्रैल में 2 महीने से वस्तु स्थिति यह है कि लोगों का आने जाने का रास्ता वो है, बस वो बचा है. और ये कमर्शियल एरिया है, यहां पर सारी जनता परेशान है. एंड एज यू कैन सी नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक हैज बीन लेड टू रिकंस्ट्रक्ट दिस ब्रिज. बाबू भाई बताएं इसका काम कब शुरू होगा? जी हम लोग पिछले 22 मार्च से महानगर पालिका के जो पूरे बॉम्बे के ब्रिजेस के हेड है जी दराडे साहब, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया लेकिन अभी तक वहां से कुछ रिस्पांस आया नहीं है. उनका कहना है हम टेम्पररी ब्रिज बना रहे. लास्ट मंडे को हम लोगों ने लोग सिंगल साहब से भी मिले जो एडिशनल कमिश्नर है, उन्होंने बताया था मंडे तक हमको ब्रिज आपको टेम्पररी बांध के दे रहे जो कि प्लेटफॉर्म धार के दे रहे, क्योंकि बीच में आचार संहिता होने के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे. आचार संहिता के कारण ब्रिज नहीं बन पा रहा था. This is a joke. श्याम जी आप जरा आगे आए, बड़ी मेहरबानी होगी आप जरा आगे आए. इधर आ जाएं. मैं चाहूंगा श्याम शर्मा जी आप जरा दिखाएं, आप जरा इस तरफ आ जाएं प्लीज. वो देखिए श्याम जी आप जरा कैमरा घुमाएं, वो देखिए कितनी खतरनाक स्थिति है, वो आपको यहां से दिख जाएगा. उस साइड में क्या हुआ था? और इस तरफ देखिए श्याम जी, इस तरफ देख लीजिए, ये है स्थिति. सामने देखिए सर, और वो सामने देखिए शौचालय गिर गया, पूरा गिर गया. उसके बाद मैं टेम्पररी शौचालय लाके दिया हूँ लेकिन उसका भी अभी तक रिपेयर नहीं हुआ. वो भी अभी तक रिपेयर नहीं हुआ. 3,500 एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग, जहां पर हम लोग खड़े हैं इस वक्त, ये भी आपको बता दूं, ये कभी भी जमीन ढस सकती है, अभी भी ढस सकती है, अगले 2-3 सेकंड में हम लोग सब मर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. चलिए आइए इस तरफ आइए. अब आप लोग ये बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं कि ब्रिज बने कि नहीं बने सर? इसके पहले कि सबकी यहीं पे कबर खुद जाए, चलो आगे चलें आगे. जी प्रदीप जी ये बताएं, दिस इज टेरेबल, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? कल हम लोग जहां पर थे वहां पर वस्तु स्थिति हम लोगों ने देखी. yes. कोई जय कुमार करके बिल्डर है, बीएमसी है, एमएमआरडीए, उठा करके एक जो पूरी कॉलोनी है उसका पूरा गटर ब्लॉक कर दिया. yes. ताकि वहां के 1,000 लोग जो हैं उनकी हालत खराब हो जाए. सुबह सुबह उठ करके लोग गंगा स्नान करते हैं, वहां पे गटर के पानी का स्नान होता है, समझे कि नहीं? और यहां पर ये हाल है. व्हाट आर दे डूइंग? व्हाट आर दीज पीपल डूइंग? सर हमारे सामने प्रेसिडेंट है, 7 दिन में आर्मी ने बड़े से बड़े ब्रिज बनाए हैं. जी अगर हमारा बीएमसी इनकॉम्पिटेंट है, हमारा बीएमसी, ये एसेंशियल सर्विसेज है, दिस इज अ वेरी एसेंशियल जो ब्रिज है, पूरे हजारों इन्होंने लोग आते जाते एवरी डे, दिन में आपका ब्रिज तैयार करके आपको दे देंगे. पूरा 7 दिन में पूरा ब्रिज बना के रखा है. 7 डेज इतना, आई मीन देयर इज नो इंटरेस्ट, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है.
प्रॉब्लम बिकॉज बीएमसी इंजीनियर्स को वहां पर अरेस्ट किया था आफ्टर ब्रेकअप दैट वीटी ब्रिज, तो उसके हिसाब से एक प्रोटेस्ट की तरफ से मैं इसको देख रहा हूँ। ये टोटली एक प्रोटेस्ट है कि लोग परेशान हो जाए, लोग वापस बीएमसी कमिश्नर के पास भागे और बीएमसी कमिश्नर बोले कि लायबिलिटी, नोबडी सर्टिफाइंग, नोबडी विल सर्टिफाई, नोबडी इज टेकिंग अथॉरिटी फॉर दिस ब्रिजेस, दैट इज ऑल टोटल नॉन कोऑपरेशन ऑन द साइड ऑफ बीएमसी। बीएमसी टोटल नॉन कोऑपरेशन कर रहा है। मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, आपको परेशानी हो रही है यहाँ पे? पुल नहीं है, क्या परेशानी हो रही है बताइए? ज्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पे, ट्रैवलिंग के लिए बच्चे गिरेंगे, मरेंगे, रमजान का महीना चालू है तो इसमें मतलब हम लोग नुकसान हो रहा है। घाट के ऊपर वाले ये साइड वाले ये साइड आ नहीं सकते, ये रोड घाट के ऊपर से लेकर किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी दुकान है? अरे भैया आपकी दुकान है, जरा ध्यान से रहो, साथ में अगर धस गई तो क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी जी। कभी भी जा सकते हैं, रेसिडेंट भी ऊपर रहने के लिए, तो कभी भी मतलब कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। एंड दे हैव लेफ्ट एन ओपन पिट हियर, बाबू भाई नोबडी नोबडी नोबडी, ये बताएं ये पूरा गड्ढा इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है। ये गड्ढा इसीलिए उन लोग छोड़े थे, लास्ट टाइम उन्होंने बताया था हम लोग ये स्टार्ट कर रहे काम, बाद में जब हम लोग फॉलो अप करने गए बोलते आचार संहिता के कारण हम लोग काम नहीं कर सकते, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होगा। उसके बाद अभी हम लोग ने फॉलो अप किया था, आज का स्थिति ऐसा है कि उनके पास कॉन्ट्रेक्टर नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है ऑल वर्क इज बैंड, मतलब ब्रिज नहीं बन सकता, नहीं बन सकते। अरे भाई अब तो चुनाव खत्म हो गए, अब तो बना दीजिए, अब क्या है, अभी तो ईद भी आने वाली है यार, अब क्या करना है। ये है कि अगर से एरिया में आग लग जाएगी तो आचार संहिता से आग बुझाएंगे नहीं, ये इनका बोलने का मतलब है। इतना इम्पोर्टेंट चीज है, 10,000 लोग आते जाते, पब्लिक आती थी, बाइक का मूवमेंट रुक गया, 10,000 12,000 नहीं 10,000 फैक्ट्रीज है, 10,000 फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, मूवमेंट मिनिमम 1.5-2 लाख, पब्लिक मूवमेंट इतना है, लाख है, और फैक्ट्रीज है, उनका बिजनेस ठप हो गया है, उनका बिजनेस ठप हो गया है, पब्लिक का सब ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है, सब कुछ कोलैप्स। विल गो ऑन दैट ब्रिज, वो पुल इतना जर्जर स्थिति में है, वो कभी भी गिर सकता है। That can fall. 1960 में बिल बना था, ब्रिज बना था 1960 में, एंड ओवरलोडिंग 1960 शायद जब ब्रिज बना था, इधर कुछ कुछ था ही नहीं, इस तरफ कुछ था ही नहीं, पूरा जंगल एरिया। आइए अभी बड़े बड़े ट्रक्स इसके ऊपर से जा रहे हैं, बट द पॉइंट सर, आचार्य संहिता के नाम पर आप एसेंशियल सर्विसेज को रोक नहीं सकते जी, एसेंशियल सर्विस, या दिस इज लाइफ मूवमेंट, इट इज लाइक सेइंग क्योंकि आचार संहिता लागू है, अस्पताल में बिजली गई तो बिजली रिस्टोर नहीं होगी, रिस्टोर नहीं होगी, यही कहना है। आचार संहिता लागू है, इमरजेंसी में पेशेंट है, पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि आचार संहिता लागू है, यही उनका कहना है। He could have done, अगर म्युनिसिपल कमिश्नर इनकेपेबल है जी ऑफ मेंटेनिंग दिस, एज यू सेड आर्मी को एक लेटर, छोटा सा लेटर लिख लिया होता और आर्मी के खुद अपने आप से इधर आके सिर्फ बिल्डिंग और एक टेम्पररी ब्रिज बनाने के लिए 2 दिन से ज्यादा लगता ही नहीं। सर, as far as the army is concerned, in a field area, exactly. A Bailey bridge is constructed within 45 minutes. 45 मिनट में ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता है फॉरवर्ड एरिया में, एग्जैक्टली सर, और वो भी अंडर फायर जहां पर दुश्मन की के गोले बरस रहे होते हैं, वहां पर फौज जो है 45 मिनट से 1.5 घंटे में पूरा पुल बना देती है, और यहां पे 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, सिर्फ गड्ढा है। ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि लोग मरे यहाँ पे, लोग के मरने का, बच्चों के गिरने का इंतजार कर रहे हैं, और बिजनेस कोलैप्स हो चुका है, यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, व्यापारी सब परेशान है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है किसी का, यहाँ पर ना एमएलए का लिए हुए हैं, उनका खर्चा नहीं निकल रहा है, खाने पीने के वांदे हो गए क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से, मतलब धंधे पानी नहीं हो रहे, सारे धंधे ठप, और यहाँ पर जितने भी दुकानदार होंगे लोग नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ब्रिज टूट चुका है। एग्जैक्टली सर, टू एंड फ्रो, अगर इनका कहना सच है कि 1,000 इंडस्ट्री, एक हजार छोटे से छोटे व्यवसाय इधर अगर है इस ब्रिज के उस पार, दैट मींस यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ बिजनेस इज अफेक्टेड। कोई भी यहाँ पर अंदर जाना, अंदर आना, बाहर निकलना, यस 10,000 फैक्ट्रीज, 10,000 फैक्ट्री, तो उनके गुड्स बाहर कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल अंदर कैसे आएगा, यानी टोटल उनका लाइफलाइन बंद कर दिया है, टोटल उनका लाइफलाइन बंद कर दिया है। और यहाँ पर सब दिग्गज नेता है, ये जो एरिया है ये सब दिग्गज नेताओं के एरिया है, इधर से शायद कांग्रेस के नसीम खान जी यहाँ पर 4 बार चुन के आए, 4 या 5 बार, कॉर्पोरेटर्स बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स हैं यहाँ के, ये बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ धंधा व्यवसाय उन्होंने बंद कर दिया, 10,000 इंडस्ट्री के ट्रक जाना, ट्रक आना, अनलोडिंग, ऑफलोडिंग, किसी को बोले जरा श्याम जी के पीछे रहें, क्योंकि वहां पे उनको दिखेगा नहीं कहां जा रहे हैं, वो नीचे गिर जाएंगे, कोई लड़के को भेजिए पीछे प्लीज, इनके जरा पीछे रहें, चलिए आइए।
वो श्याम जी सामने दिखाएं, वो वहां पर वो पब्लिक टॉयलेट हुआ करता था, वो अपने आप गिर गया नीचे, उसके अंदर कोई था तो नहीं उस वक्त? नहीं नहीं, उस टाइम हम लोगों ने पहले जैसे यहाँ पर क्रैक हुआ था, हम लोगों ने वहाँ पर पंचनामा किया, पुलिस पंचनामा, फिर मैंने वहाँ पर टेम्पररी उन लोगों को शौचालय ला के दिया है जी। तो अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन मेन तो ये ब्रिज का काम होना चाहिए सर, और टेम्पररी शौचालय बना ले। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी, नॉर्मली साधारणतः चलने में रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है सर। यहाँ पर जो हम चल रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आदमी अगर गलती से स्लिप हो गया, उसकी जान बचने मतलब बचना नामुमकिन है सर। आज सबसे देश में मोबिलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री हो, स्टेट चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, मानव अधिकार हो, स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जरा पानी से बच के, वहाँ पे पानी है, देखिए देखिए जी, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, 10,000 स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है ये पूरे इस रोड के इस पर, राइट। ये ब्रिज के तोड़ने से जी, ब्रिज के तोड़ने से पूरा इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो चुका है, राइट। हमारा दिस इज सो टेरिबल, यानी इकोनॉमी पे इन्होंने उंगली उठाया, राइट। दे हैव हिट द इकोनॉमी, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस फ्रॉम हियर, लुक एट दिस एरिया फ्रॉम हियर, दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल। व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज इट दैट वी आर डूइंग, आई मीन इस शहर की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हैं हम लोग? डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी होता है लोगों की ऐसी की तैसी, क्या मतलब हुआ? क्या शैल चतुर्वेदी की जो व्यंग्य भरी कविता थी 40 साल पुरानी, क्या आज हमारे सामने सच हो रही है? ये क्या है? तो अभी आगे क्या हुआ है बताएं जी। अभी हम लोगों ने वहाँ का जो चीफ इंजीनियर है दराडे सब, से उनसे बात करके हम लोगों ने बोला, अभी उनका कहना है कि और एक हफ्ता लगेगा इस ब्रिज पर टेम्पररी करने के लिए। हम लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, बिल्कुल जो है ना, हमको घुमा के लेके आना पड़ता है, ये 2-2.5 महीने से जो उनका खोद के रखे हैं, हमको गाड़ी यहाँ से किसी को परवाह नहीं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, डेली का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हमारा ट्रांसपोर्ट है, एक एक 25-30 गाड़ियां जो वहाँ खड़ी करके पूरा ऐसा घुमा के लाना पड़ता है, घाट के ऊपर से ऐसा घुमा के लाना पड़ता है, लिंक रोड से नुकसान होता है ये लोग, और यहाँ पे ग्राहक भी नहीं आते हैं, तो गाड़ी कहाँ से आती है? गाड़ी वहाँ से आती है, असलफा से घाट के ऊपर से, असलफा से घाट के ऊपर से घूम के आती है, मतलब के 7.5 के 10 किलोमीटर और लंबी पार दो ना यार, बिल्कुल लाल ही गिरा दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो है बाबू भाई, आप ये बताएं और बाकी सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जरा आगे आ जाएं, लोगों को वैसे ही परेशान है लोग, हम उनको और परेशान कर रहे हैं, जरा इस तरफ आ जाएं। मेरा ये कहना है कि नसीम भाई वैसे तो मतलब बिल्कुल अग्रसर रहते हैं, एकदम आगे रहते हैं हर चीज में, तो इस चीज में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, क्या हो गया? उन्होंने उनका प्रपोजल उनको दिया है, लेकिन जहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट आता है वो भी मजबूर हो जाते हैं, वहाँ पर वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहे, जहाँ लाइफ सेविंग है, थ्रेटनिंग है, वॉर सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे कोई चीज होता नहीं है। आई डोंट नो, अगर अटैक ऑन द स्टेट and then you say the code of conduct, so the army won't fight yeah. because the election commissioner says no, yes, yeah, essential services the BMC has to provide, isme neta log kaam isme aa gaye, no balakot, no balakot because the election commission says no, war nahi hoga, strike nahi hoga, desh ka suraksha khatre mein, are logon ki jaan khatre mein yahan pe yaar, tum election commission ke code of conduct ki baat kar rahe ho, kar kya rahe ho Hindustan ke sath, is shahar ke sath kya kar rahe hain aap log? This is absolutely terrible. I tell you what, Pradeep bhai, we've been doing this show now for a long time, 20 साल हो गए ये शो करते करते, और मुझे एज अ जर्नलिस्ट मुझे तकरीबन 36-37 साल हो गए, ये पहली बार मैंने देखा है ऐसा, ये दृश्य मैंने पहली बार देखा है कि पुल तोड़ दिया आपने, क्योंकि आपने कहा कि खतरनाक है, क्योंकि CST के पास का पुल जो है वो टूटा था, और अब आप बना नहीं रहे क्योंकि आपने कहा आचार संहिता लागू है, करेक्ट, इतना भी डेंजर नहीं था ये पुल, करेक्ट। हम लोग यहाँ 20 साल से है, हम लोग यहाँ 20 साल से इतना भी डेंजर पुल नहीं था जी, कि कोई खतरा हुआ, कोई खतरा यहाँ नहीं हुआ है, खाली कल आचार संहिता लगा हुआ आज ही तोड़ दिए लोग,
बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई किसी बोले यहाँ पे कितने कारखाने दुकान वाले सब भाड़ में जावे। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। क्या लगने वाला क्यों तोड़े पुल? करेक्ट आचार्य, अगर अगर आचार्य संहिता की बात थी तो पुल क्यों तोड़ा गया? यहाँ पर किसी को स्थानीय लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया। सबसे पहली बात रातों रात तोड़ दिया भाई, रातों रात पुल तोड़ दिया और अभी बनाने की बात ही नहीं कर रहे। कुछ नहीं, किसको पता ही नहीं है, सब देख ही रहे आपके सामने है। कौन आता है, कौन क्या करता है, कोई भाड़ में कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, 20 तारीख को जीएसटी नहीं भरे तो नोटिस दूसरे महीने जरूर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है वो तो अलग है, जो जान को खतरा है वो अलग है, लेकिन मेरा ये कहना है, ये देखिए, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जावे ना तो यहाँ से निकलने की जगह लोगों को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, गाड़ी किधर से आवे? नहीं मिलेगा। बाबू भाई ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, कोई इमरजेंसी हो जाए, यहाँ पे आग लग जाए तो फायर टेंडर कहाँ से आएगा? वो तो सर वही 5-6 किलोमीटर से घूम के आना पड़ेगा यहाँ पर। 10 किलोमीटर नहीं, 5-6 किलोमीटर पकड़ो, एक घंटा लगता है। एक घंटा सकी नका आने में लगेगा, एक घंटा में कहाँ जाएगा आप देख लो। गया ऊपर सीधा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा ऊपर गया, इनको पगार मिल रहा है, इनको सबको काम हो रहा है। नहीं नहीं, जो प्रदीप भाई ने बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास फ्लाईओवर ब्रिज जो है वहां पर वो गिरा और 2-3 इंजीनियर्स को वहां पर गिरफ्तार किया गया, इसलिए जान करके इस पुल को बनाया नहीं जा रहा। नहीं बनाया नहीं जा रहा है, इसलिए बनाया नहीं जा रहा है कि 3-4 इंजीनियर अंदर आए, इसलिए दैट्स इट। ये प्रशासन को ब्लैकमेल कर रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र पूरे मुंबई के सिस्टम को ब्लैकमेल कर रहा है। इनको ये दिखाना है कि हम अगर साइन नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। आपने हमारे लोग को अरेस्ट कैसे किया? आप अब भुगतो, आप पूरे लोग भुगतो। तो भाव भाई मेरा ये कहना है कि यहाँ सबकी ओर से आप एक रिप्रेजेंटेशन लेकर जाएं, मुख्यमंत्री जी के पास लेकर जाएं, प्रधानमंत्री जी को भेजें और ये कहें कि ये जल्द से, एक मिनट, ये जल्द से जल्द आर्मी को बोल दिया जाए, वो आपके लिए ब्रिज 7 दिन में बना करके दे देंगे। जरूर सर, आपको लगता नहीं है? यू शुड गिव एन, यू शुड गिव एन रिप्रेजेंटेशन। वी आर एग्री विद यू सर, लेट द आर्मी कम इन, लेट देम डू इट। जी, बट इज आर्मी अलाउड टू डू वर्क इन महानगर पालिका? यस दे आर, इफ दे आर रिक्वेस्टेड, इफ दे आर रिक्वेस्टेड, बीएमसी रिक्वेस्टेड। बट हियर द कंडीशन इज दैट, यहाँ पर ऐसा कंडीशन है कि यहाँ पर जो पास हुआ है उसको करने के लिए कॉन्ट्रेक्टर नहीं उनके पास आज के डेट में। हॉस्पिटल सिचुएशन आप देखिए, हॉस्पिटल सामने है, पेशेंट नहीं आ पा रहे क्योंकि डॉक्टर नहीं आ रहे। डॉक्टर क्यों नहीं, डॉक्टर क्यों आएगा? उनको पूरा घूम के एक घंटा अपना वेस्ट करके आना पड़ेगा, कैसे आएंगे? इंसिडेंट भी होता है, कुछ इंसिडेंट होता भी है, डॉक्टर अवेलेबल लिए तो कैसे होगा इलाज, कैसे होगा? हॉस्पिटल सामने है, इंसिडेंट भी हुआ तो आदमी अगर जाएगा तो डॉक्टर लिए तो कैसे होगा? Which means, as this boy was saying, no doctor is going to come here. Let's move forward. चलिए. डॉक्टर, कोई डॉक्टर आ ही नहीं सकता ना सरेंद्र? कैसे आएंगे? There is no doctor, no patient. Right. Just because of the that the bridge is not here. Come and you can just show the people that there is no patient, no doctor. Oh God, this is terrible. This is absolutely terrible. You can visit right now. If you want, you can just show. Of course we will. आएंगे नहीं ना, आप emergency में लेके कैसे जाएंगे? So I want you to show the people. Where is the hospital? Where is the hospital? Yeah, here only. That side hospital. Hospital. Local people comes from this side only. Yes, mostly people come from here. लेकिन बाबू भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि अगर यहाँ पर रास्ता ही नहीं होगा तो डॉक्टर कहाँ से आएगा? आइए आइए, आगे आइए, चलिए चलिए चलिए। दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल व्हाट इज हैपनिंग। पीपल आर फेड अप एक्चुअली। ये क्या प्रॉब्लम है, लोगों को एकदम तकलीफ हो रहा है, पीपल आर एंग्री। यस, बिकॉज़ नोबडी इज कमिंग टू द रेस्क्यू। हम लोग आ गए, अब गुस्सा तो निकल रहे हैं बिकॉज़ यहां से आना जाना कुछ है ही नहीं। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। जी, कोई इस तरफ आ ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, एज दे सेज राइट, एमपी है, एमएलए है, ये सब कहां है? क्यों नहीं कुछ भी किया? Why they have not done? आप लोग ने किसी से अप्रोच किया बाबू भाई? अभी हम लोगों ने स्थानीय एमएलए के पास भी कुछ लोग अपना लेके गए थे यहाँ पर। जी, सिंगल पेशेंट, नो डॉक्टर। सर हॉस्पिटल जाए, उस तरफ जाए हॉस्पिटल के पास। चलिए चलिए, फिर भी आप उठे अच्छा 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 दिखाओ, आइए। लेट्स गो स्ट्रेट डाउन। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी एंग्री एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग व्हाई हैव वी कम हियर, वी हैव कम हियर to show the problems of Mumbai. दो महीने से आपने शिकायत किससे किससे किया, बोलो ना। मैंने वार्ड में भी शिकायत किया हुआ है। चलते चलते बात करेंगे, अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ। एमएलए से बात किया था? हां, अपना वो है ना, नसीम भाई, नसीम भाई नहीं,
जो यहाँ का कारपोरेटर है, अच्छा अच्छा, उसको मैंने बोला, सांगले को बोल दिया, सांगले को कम से कम 10 मरतब बोला होगा। ओके ओके ओके, अभी तक कुछ नहीं। तो ये जैसे बजाज साहब बोल रहा है, अगर आप लोग लिखे और आर्मी को इन्वॉल्व करें, आर्मी 7 दिन में शायद बना भी सकते, बीएमसी बोल, अगर बीएमसी के बस की बात नहीं है तो ये तो बोल रहे, बीएमसी वाले बोल रहे यार से नहीं, आपको वहाँ से बोलना पड़ेगा हेड ऑफिस से। तो हेड ऑफिस हम लोग गए थे, हेड ऑफिस से उनका वही कहना है कि उनके पास कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, इसीलिए हम लोग इनको लेके आए। सो दे डोंट हैव अ कॉन्ट्रैक्टर। हां, दे डोंट हैव अ कॉन्ट्रैक्टर। नहीं, ये सब बहाना, हमारा कहना है बीएमसी का भी बहाना है। ये आपने किया था 7 दिन में होगा, 23 तारीख को, 23 मार्च को दिया। आपका कहना है कि ये पूरा डेंजर है। मैंने यहां पर लिखा है 10,000 उद्योग है, 10,000 उद्योग अगर बढ़ा हुआ है तो और ज्यादा, लेट्स गो, लेट्स और खतरनाक हो जाएगा। चलिए चलिए, आइए, बारिश में और खतरनाक हो जाएगा ये। करेक्ट, करेक्ट। और बारिश में ओवरफ्लो हो सकता है, कम से कम 4-5 फीट ओवरफ्लो होता है जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो गड्ढा है वो पूरा पानी से भर जाएगा। टोटल अभी ये जो गाड़ी है इसको पूरा घूम के जाना पड़ेगा, करीब 4-5 किलोमीटर घूम के जाना है, जस्ट टू बी एबल टू क्रॉस दैट 560। ना हम लोग इस रोड पे कंसंट्रेट करेंगे, बिकॉज क्या 1-2 दिन में या 4-7 दिन में कुछ डिसीजन हो जाए यहाँ पर, अगर बीएमसी कुछ कर नहीं रहा। वाले लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ है, अगर हमको साकी नाका जाना है तो 5 किलोमीटर राउंड करके घूम के जाना है, 5-10 किलोमीटर है इस तरफ से या इस तरफ से, वही निकल के जाए या सासलफा हो के फिर क्रॉस करके सारे बच्चे बन गए यहाँ से, और हर तरफ उठ गई, एकदम व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है, बच्चे स्कूल से नहीं आ पा रहे एक छोटे से पुल की वजह से। जी हां, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, पुल गिरा नहीं था, पुल तोड़ा गया था। बीएमसी ने जानबूझ के इस ब्रिज को तोड़ दिया, बिकॉज ये नुकसान एकदम ओवर इन्फ्लेट हो जाए, और उनका जो मुश्किल है बीएमसी को, और इंजीनियर इनको सर्टिफाई नहीं करना चाहता, इंजीनियर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंजीनियर अभी जेल में है उनको बाहर निकालो। आप बोले पहले बाहर निकालो, फिर हम लोग इस प्रकार से, अब सबसे इजी सोल्यूशन यही है कि आर्मी को बोले इस ब्रिज को कंसंट्रेट करने के लिए, जैसे एल्फिस्टन रोड में ब्रिज बनाया था 7 दिन के अंदर आर्मी, उसी तरह ये तो उतना बड़ा काम भी नहीं है। एल्फिस्टन में तो आपको ब्रिज ऊपर लेआउट करना पड़ा था, ये तो सीधा आपको सिर्फ हेवी व्हीकल मूवमेंट्स के लिए, जैसे आर्मर टैंक जाते हैं उसी प्रकार के उनको लेवलर लाना पड़ेगा और उसको फिट करके उसको ठीक करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली टेरिबल व्हाट इज हैपनिंग इज, बाबू भाई कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोगों को जरा गंभीरता से लेना पड़ेगा इसको, ठीक है, और आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अब तो चुनाव खत्म हो चुकी है, अब प्रधानमंत्री जी को लिखिए, मुख्यमंत्री जी को लिखिए, और अपना प्रतिनिधित्व मंडल वहां पर लेकर के जाइए, सारे इलाके के लोगों को लेकर के जाइए साथ में, कि भाई एक तो रमजान का महीना है, लोगों को वैसे ही आपने परेशान करके रखा हुआ है, इसको खत्म कीजिए, ईद भी आने वाली है, और उसके पहले पहले कोई टेम्पररी अरेंजमेंट तो कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ, बम्बई भाषा में बोला, धंधे की वाट लगे, धंधे की वाट लगे। ये भी मांग किया कि आप लोग बोलो हम सहयोग करते हैं, हम लोग सहयोग करते फाइनेंशियल हो और एनर्जी, जिस किस्म के भी एनर्जी आपको चाहिए, मैन पावर, मनी पावर, जैसा भी चाहिए, यहाँ कंट्रीब्यूट करके 10,000 इंडस्ट्री है सर, दे कैन इजीली कंट्रीब्यूट एंड डू इट, बट द स्टेट इज नॉट अलाउइंग इट, व्हिच इज अ टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, व्हिच इज एन एब्सोल्युटली टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, राइट। वी शोड यू समथिंग व्हिच इज हॉरिबल, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर, आज तक मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा कि एक पुल को जान करके तोड़ दिया गया हो और उसके बाद उसको जान करके ना बनाया गया हो, ताकि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान हो, और लोगों का जो गुस्सा है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। दैट्स इट फ्रॉम मी, राजीव के बजाज फ्रॉम द आरकेबी शो, अलॉन्ग विद एडवोकेट प्रदीप डांबियार एंड ऑफ कोर्स बाबू बदेली फ्रॉम हियर इन चांदीवली। वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो एट 10:30 PM ऑन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।